इजी कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी है कलाकंद, जिसके लिए हमने दूध, मिल्क पाउडर या छेना किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। ये हमने लिया है मलाई से मक्खन निकला हुआ दूध, जिसे मैंने उबाल लिया था, और क्वांटिटी में ये लगभग 1 लीटर के बराबर है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई में 1 लीटर जो दूध था उसे डाल दिया है और हमें इसे तेज आंच पर उबालना है। आप इसमें देख रहे होंगे कि थोड़े थोड़े से कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये मलाई में से निकला हुआ दूध है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके से बनाया है मैंने, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगी मलाई में से ऐसा दूध कैसे निकाल सकते हैं कि उसकी हम मिठाई भी बना सकें। अब मैंने इसमें 6 चम्मच चीनी डाल दी है, जो कि घर में हम रेगुलर चम्मच यूज़ करते हैं खाने के लिए, उसी से मैंने ली है। आप अगर कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, और चीनी की जगह आप चाहें तो मिश्री या फिर देसी खांड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये गैस हमने थोड़ी देर बंद कर दी है, क्योंकि अब हम इसमें 1 चम्मच सिरका ऐड कर रहे हैं। ये सिर्फ हम दूध में हल्का सा दाना लाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कलाकंद जो है वो हल्का दानेदार होता है। दूध को हमने फाड़ना नहीं है, दूध अलग और पानी अलग नहीं करना है। अब ये देखिए हल्का सा इसमें दाना आने लगा है। अब हम गैस को फिर से ऑन कर देंगे। इसको आप तेज और हल्की जैसी भी गैस पे चाहें आप कर सकते हैं, बस हमें इसको खपाना है, मतलब दूध को कम करना है। तो गैस कभी आप तेज भी कर सकते हैं, हल्की भी कर सकते हैं, और उसे लगातार चलाते रहना है कि जिससे वो नीचे लग ना जाए। अगर लग गया दूध तो फिर सारी मिठाई का टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये देखिए दूध धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो गया है। अब इसमें टेस्ट के लिए मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिससे कि इसमें एक बहुत अच्छा सा स्वाद आ जाएगा। ये मिठाई बनाना बहुत ही ईजी है, और कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इसमें यूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ दूध, चीनी और सिरका, बस यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो सब ऑप्शनल है। इलायची पाउडर भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। मैं इसमें 1 चम्मच घी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो दूध है ना बिल्कुल फैट फ्री है, तो थोड़ा सा मिठाई में हमारी ग्लेज आ जाएगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए डाला है। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं, बिल्कुल फैट फ्री बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप ना यूज़ करें। बस अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें छेना थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो चुका है, लेकिन अलग नहीं हुआ है, दूध और पानी अलग नहीं हुआ है, दोनों मिक्स हैं। बस इसी तरीके का हमें इसे रखना है। अगर दूध और पानी अलग हो गया तो आपकी ये मिठाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। देख रहे हैं आप इसमें बुलबुले आने शुरू हो गए। बस अब हमें थोड़ी सी देर और इसे पकाना है। थिक बिल्कुल नहीं करना है इसे, बस इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी ही रखनी है। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा मिक्सचर है ये कढ़ाई में चिपक भी नहीं रहा है और हल्का सा रनिंग भी है। अगर आप इसको बिल्कुल सुखा देंगे तो जो हमारा कलाकंद बन के तैयार होगा वो हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी में ही रखना है। ये देखिए जैसे मैं इसे पीछे कर रही हूँ ये अपने आप आगे आ जा रहा है, तो बस इसी स्टेज पे हमें इसे बनाना बंद कर देना है। गैस हम ऑफ कर देंगे और एक ट्रे जिसे मैंने पहले से ही ग्रीस कर लिया था उसमें इस मिक्सचर को निकाल लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है। अब ये मिक्सचर हमने इसमें निकाल लिया है, किसी भी कटोरी या करछी की हेल्प से आप उसे हल्का टैप करके स्मूथ सरफेस बना लीजिए उसका, पूरे अच्छे तरीके से टैप करना है उसे। और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता डाल दिए। रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा होने देना है, चाहे तो आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखिए हमारा कलाकंद बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसे नाइफ से कट कर लेते हैं। आप नाइफ में देख रहे होंगे कि कलाकंद हमारा थोड़ा सा स्टिक हो रहा है, तो यही इस कलाकंद की पहचान है।
ये थोड़ा सा मॉइस्ट और जूसी होता है। अगर हम इसे ज़्यादा सुखा देते हैं तो इसमें जो छेना है वो हार्ड हो जाता और खाने में भी अच्छा नहीं लगता। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, इसमें हल्का हल्का सा दूध दिखाई दे रहा है ना, तो इसी तरीके से ये होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल सूख जाएगा तो इसमें मॉइस्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये देखिए, ट्रे में भी आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का दूध आ रहा है। तो इसी स्टेज का हमने कलाकंद बनाना है, तो ज़रूर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।